सितंबर को ही आयोजित होगी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा। यह बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया स्पष्ट यह बड़ी खबर। हनुमानगढ़ दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग पर पूछे गए सवाल पर कहा, प्रजातंत्र में मांग करने का सबको अधिकार होता है, लेकिन रीट परीक्षा 26 सितंबर को ही आयोजित की जाएगी। इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रीट परीक्षा को लेकर तारीख जो थी उसी पर एग्जाम लिया जाएगा, यानी 26 सितंबर को ही आयोजित होगी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट कर दिया है। हनुमानगढ़ दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबको जो है कि मांग करने का अधिकार है, लेकिन 26 सितंबर को ही परीक्षा होगी। ललित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ललित, पूरी जानकारी, क्या कुछ कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने? जी बिल्कुल, 26 सितंबर को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा होनी है। तकरीबन 16 लाख बेरोजगार इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो जो बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं या बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं, वह लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनका सत्र कोरोना की वजह से लेट हुआ है, ऐसे में रीट की परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए ताकि उनको मौका मिले। लेकिन ऐसे स्टूडेंट की कुछ संख्या होने के चलते, जो बड़ा एक तबका है, उनकी ये मांग थी कि परीक्षा समय पे हो, क्योंकि पिछले 3 साल से इसका इंतजार किया जा रहा है। इस स्थिति को पूरी तरीके से स्पष्ट करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है कि प्रजातंत्र में मांग करने का अधिकार होता है, लेकिन रीट की जो परीक्षा है बहुत बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा को समय पर करवाना शिक्षा विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में रीट परीक्षा 26 सितंबर को ही आयोजित होगी। दो टूक शब्दों में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस स्थिति को साफ कर दिया है। बिल्कुल ललित, धन्यवाद। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, और मैं बता दूं कि जो बड़ी खबर है कि 26 सितंबर को ही फिलहाल अब रीट का एग्जाम तय किया गया है। तो बड़ी खबर एक और आ रही है, जी राजस्थान की खबर का।